अब आप राम जी से सीखिए, जो सुबह राजा बनने वाले थे वो सुबह बन के राजा बने, लेकिन किस कारण से? मेरे पागलो, मेरे वनवासियों, राम जी मानो कहना चाहते हो, माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि आज्ञा है जिंदगी में। आप किसी की आज्ञा मानो या ना मानो, पर माता पिता और गुरु की आज्ञा को मत छोड़ो। बहुत बड़ा आदमी बनना है ना, माता पिता को मानो। विचित्र बात यह है, माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। समझिएगा, माता पिता को तो मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। रामायण को तो मानते हैं पर रामायण की नहीं मानते। राम जी को तो मानते हैं पर राम जी की नहीं मानते। मेरे पागलो, आज की कथा ध्यान से सुनकर जाना अपनी जिंदगी में। तुम माता पिता को भी मानो, गुरु को भी मानो, और माता पिता और गुरु की भी मानो। आप अपनी जिंदगी में बहुत लंबा चलना चाहते हो ना, लॉन्ग लाइफ में आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो। आप अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति पाना चाहते हो, आप बहुत बड़ा पद पाना चाहते हो, आप बहुत यश पाना चाहते हो, तो प्राण निकल जाए पर माता पिता और गुरु के वचनों को कभी अस्वीकार मत करना। केवल स्वीकार करना। और जितने लोग तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनमें द्वेष मत रखो, सबसे प्रेम। हमारा भारत तो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करता है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, सब में राम है, घट घट में राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रिगट ओ ही मैं जाना। हमारे राम जी घट घट में है। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि आपको ये कहां से सूझ आई के वन में कथा करेंगे, इससे बढ़िया किसी शहर में तुम कथा करते महाराज जी तो 2-4-10 लाख दक्षिणा मिलती, यहां तुम्हारी गांठ से लग रहा। हमने कहा भैया असली श्रोता देखने हैं तो वन चलो। बाहर के जितने श्रोता है ना भैया, ज्यादातर नकली होते हैं, फोटो खिंचाने भर आते हैं। वो आएंगे फोटो बढ़िया गुरुजी के साथ आ जाए, गुरुजी की चाहे कान पे माला टंग जाए चाहे नाक पे धर जाए, फोटो अपनी बढ़िया आए कि हम बागेश्वर महाराज के बगल में खड़े रहे। असली भाव देखना है ना। कभी हम भारत की पीठ से निवेदन करेंगे और भारत के संतों से भी निवेदन करेंगे, बहुत हो गया अब जगो। तुम्हारा विदेश जाकर और बड़े बड़े शहरों में जाकर धर्म नहीं बचना है बहुत जल्दी, वरना कथाएं भी बंद हो जाएंगी, कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। अगर तुम्हें सनातन बचाना है तो आओ वन में। और हां, दक्षिणा लेने के लिए मत आना, तुम्हें सौगंध है अपने धर्म की। अगर तुम्हें सनातन को बचाना है तो चलो बन बन गांव गांव, वहां जाकर के कथा करते हैं, जो राम के नहीं है उन्हें राम के बनाकर बताते हैं। बहुत कर लिया तुमने, बहुत जगह दक्षिणा ले ली, एक आध जगह, कहते हैं एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, एक आध जगह तो छोड़ दो। बुरा मत मानना मेरे भारत के साधुओं, हमारी वाणी धृष्टता है हमारी वाणी में, पर दास निवेदन कर रहा जो हम देख रहे। पता है आपको, यहां कलदा क्षेत्र की एक माताजी क्या कह रही थी, एक माताजी कह रही थी महाराज जी एक भाई से, बोले भैया मेरी जब शादी इस जंगल में हुई तो मैं अपने मां बाप को कोसती थी, कहां से, वो बुंदेलखंडी भाषा में बोल रही थी कि हमारे मताई बाप कितने पगला रहे, यहां विवाह करवा दिए जहां कोई नहीं आता। बोले बाकी मेरी और बहनें हैं, उन बहनों को अच्छी जगह विवाह किए, मुझे जंगल में लाकर पटक दिया, वनवासी भाई की एक देवी जी कह रही थी। बोले महाराज मैं कोसती रही कि मुझे कहां लाकर पटक दिया, मैं अपने आप को दुर्भाग्य मानती रही, पर महाराज
आज मैं अपने आप का सौभाग्य मान रही, जो रिश्तेदार कल आते नहीं थे वो आज 10 दिन पहले से डेरा डाले हैं बन में। महाराज 10 दिन से गए नहीं हैं, वो जो बहनें बड़े बड़ी जगहों पर जिनका विवाह हुआ था वो 10 दिन से यहाँ पर डेरा डाले हैं, और बार बार वो धन्यवाद कह रही हैं कि बढ़िया रहा तू यहाँ है तो कथा सुनने को महाराज जी की मिल गई है। और वो आंखों में आंसू भरकर कह रही थी, महाराज आज मैं अपने आप को धन्य मान रही हूँ कि मैं बन में मेरी शादी ठीक हुई है। भैया ये भाव तुम्हें शहरों में नहीं मिलेगा, ये प्रेम तुम्हें शहरों में, ये लोग पिछड़े जरूर हैं पर इन लोगों में भाव बहुत है। मैं व्यासपीठ से भाव साझा कर रहे हैं हम, एक भाई कल हम बैठे थे तो हमारे जो मार्ट साहब है ना दरियाव सिंह, उनको हमने बुलाया, हमने कहा आओ फलाहार कर लें कुछ खा लें, तो बोर हम बैठे थे तो एक कोई गांव के वृद्ध वनवासी दादाजी आए, हमने उनको सेब खा रहे थे हमने भी खाया हमने उनको दिया, पता है वो क्या कह रहे थे, वो हाथ में सेब लेकर बोले गुरुजी एक बात बताओ ये तो बहुत महंगा आता होगा। उसको वो बहुत महंगा बता रहे थे, मेरे भारत के पागलों बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों, अब हम व्यासपीठ से आपको निवेदन करेंगे कुछ दिन गुजारो वन में, कुछ दिन गुजारो इन वनवासियों को। इन्होंने वनवासियों को ये बड़ा महोत्सव लग, क्या अद्भुत लीला। अब हम तो कहेंगे हमारी, सच बताएं ये हमारी महिमा नहीं, ये हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा की महिमा है कि उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि तुम वन में जाकर कथा करो। सच बताएं अपनी जिंदगी का, हमने आज पहली बार ये कथा निर्विघ्न संपन्न होने जा रही, अपनी जिंदगी का हमने पहली बार कोई बढ़िया काम किया है, पहली बार यहां पर। किसने सोचा था इतने लोग आएंगे, सोचा था क्या किसी ने, किसने सोचा था कि इतने, बताओ कल ग्राउंड कम पड़ गया, 2 दिन की जो हमें कथा बढ़ानी थी आज इसलिए हमने विराम कर दी कथा, क्योंकि कल हमें यहां शासन प्रशासन बताए कि महाराज जी जगह नहीं है, अगर 2 दिन बढ़ा देंगे तो कोई लफड़ा ना हो जाए, तो हमने आज मना कर दिया कि अब केवल कल, और कल हम सिर्फ दरबार लगाएंगे, प्रेतराज सरकार का दरबार, जो जादू टोना ओझा तांत्रिकों के चक्कर में यहाँ के वनवासी हैरान हैं अब नहीं रहेंगे। और तुम चिंता मत करो, सबरी माता का मंदिर बनने दो, हम साल 2 साल में एक बार आते रहेंगे। अपने राम जी तो फक्कड़ हैं, अब तो हमने और कर लिया प्रण, बागेश्वर धाम के लोगों से भी कहा कि अब तुमको बहुत दक्षिणा देने की जरूरत है क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं आजकल। हाँ